एक बार एक छोटे से शहर के पेट्रोल पंप पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज आकर खड़ी हो जाती है। अब वहां पर जो लड़का पेट्रोल डाल रहा होता है वो उस गाड़ी को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। अब उस गाड़ी से जो मालिक होता है बाहर निकलता है और उस पेट्रोल पंप पे जो लड़का होता है उसे बोलता है कि इस गाड़ी में 2000 का पेट्रोल डाल दो। अब वो लड़का पेट्रोल डालना तो शुरू करता है, बट वो गाड़ी पर इस तरीके से मोहित हो जाता है कि सिर्फ गाड़ी को ही देख रहा होता है। अब जो उस गाड़ी का मालिक होता है वो उस लड़के से पूछता है कि क्या सोच रहे हो। वो लड़का बोलता है, सर ये मेरी ड्रीम कार है, मैं भी चाहता हूं कि मैं मेहनत करूं, मैं भी एक बड़ा आदमी बनूं और मैं भी एक दिन इस गाड़ी को खरीद पाऊं। वो आदमी जब उस पेट्रोल पंप के लड़के की बात ये समझता है तो उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड दे देता है और बोलता है कि इस पे मेरा एड्रेस लिखा है, कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊंगा और हो सकता है अगर तुमने मेहनत करी तो कुछ सालों में तुम भी अपनी इसी तरीके से गाड़ी खरीद पाओ। अब वो कार्ड दे के वहां से चला जाता है। अब वो लड़का उस कार्ड को देख रहा होता है और जब वो देख रहा होता है तो उसके दिमाग में कुछ ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वो सोचता है, पता नहीं ये आदमी मुझसे क्या करवाने वाला है, पता नहीं कैसा काम बता देगा, इसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो आजकल टीवी पर भी पता नहीं इस तरीके की स्टोरीज आने लग गई हैं, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। और वो उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है और उसके बाद दूसरी गाड़ी में पेट्रोल डालना शुरू कर देता है, वो भूल जाता है। अब 3 साल के बाद उसी पेट्रोल पंप पर बिल्कुल उसी तरीके से एक और ब्लैक कलर की मर्सिडीज आके खड़ी हो जाती है, पर इस बार जो अंदर मालिक होता है वो कोई और होता है। मालिक बाहर निकलता है और बोलता है 2000 का पेट्रोल डाल दो। अब पेट्रोल जब भर रहा होता है वो लड़का फिर से उस गाड़ी को देख रहा होता है, पर जो मालिक होता है वो बोलता है, तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले यहां पर इसी तरीके से एक गाड़ी आके रुकी थी। वो कहता है, हाँ मुझे याद है, आपको कैसे पता। तो वो कहता है, तुम्हें यह भी याद होगा उस आदमी ने तुम्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया था। वो कहता है, हाँ बिल्कुल याद है, बट वो कार्ड तो मैंने फेंक दिया था। कहता है, मैं इस पेट्रोल पंप पर पहले सफाई किया करता था, मैंने डस्टबिन से कार्ड निकाला और मुझे नहीं पता तुमने क्या सोचा, बट मुझे लगा कि अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया तो शायद मैं फिर कभी बड़ा आदमी ना बन पाऊं, तो मैंने उस कार्ड पे फोन किया, मैं उन सज्जन से जाके मिला जिसने तुम्हें कार्ड दिया था और उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया और आज 3 साल के बाद मैं इस गाड़ी का मालिक बन चुका हूं। काश तुम भी 3 साल पहले शक ना करते अपॉर्चुनिटी पर और एक बार उस मालिक से जाके मिलते तो सही, बट तुमने ऐसा नहीं किया और तो तुम आज भी यहीं पर हो। यहां पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि लाइफ में हमारे पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें एक बार बिल्कुल खुले दिमाग से अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी बदल कर रख दे, बट ज्यादातर लोग जब भी उनके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है वो खुद पे ही शक करना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। बट ये शायद जो है ना, ये सबसे ज्यादा सपनों को गला घोट के मार देता है। आज के बाद अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और कोई इंसान आपको किसी बिजनेस के बारे में, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है, तो आप एक बार खुले दिमाग से उसे समझें। अगर आपने समझा तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी बदल कर रख दे। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हो हर उस इंसान के साथ जो जिंदगी में कभी ना कभी कोई अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी अनदेखा कर देता है, ठुकरा देता है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए। एंड फाइनली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको इस स्टोरी का मैसेज समझ आ गया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे भी समझ आएगा कि आपको क्या समझ आया। एंड फाइनली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक अपॉर्चुनिस्ट बनो, हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर करने की तरफ ध्यान दो। और अगर आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, यूटिलाइज करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, इंटरनेट के थ्रू पैसा कमाना सीखना चाहते हो, तो आप फास्ट ट्रैक मिलियनेयर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर कॉल कर आपको इस ट्रेनिंग कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। फाइनली, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। इस ट्रेनिंग कोर्स की जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी है, तो आप उस पर भी क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।